हेलो गाइस वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल पे इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है आज हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर है फिज़िकल पॉलिसी के ऊपर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक फिज़िकल पॉलिसी देखिए फिजिकल पॉलिसी क्या होता है फिजिकल पॉलिसी ड्राइव फ्राम लैटिन वर्ड फिजकस ये एक वर्ड लैटिन वर्ड है फिजकस ये इससे निकला है जिसका मतलब होता है बास्केट और ट्रेजरी ठीक है इन एंशंट रोम एंशियट रोम में क्या होता था फिस्कस वॉज टर्म फॉर द ट्रेजरी फिस्कस जो वर्ड था इसको किस लिए यूज़ करते थे ट्रेजरी के लिए यूज़ करते थे कंट्रोल बाय द एम्पेयर और इसको कंट्रोल करता था एम्पेर वेयर द मनी वाज लेटरली स्टोर इन बास्केट एंड वाज कलेक्टेड प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोविंसेस क्या होता था एम्पेर क्या करता था मतलब जो भी उसके आगे जो भी एम्प्लॉयज़ होते होंगे वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू और वो उस बास्केट में डालते थे ठीक है वो रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट करते थे वो अपनी प्रोविंस से ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और अपनी बास्केट में डालते थे और उस बास्केट या ट्रेजरी को हम बोलते थे फिस्कस और ये जो फिजिकल पॉलिसी जो वर्ड है ये हमारा वर्ड फिस्कस से निकला हुआ है नेक्स्ट फिजकल पॉलिसी राफल टू बजट्री पॉलिसी इसको हम बजटरी पॉलिसी से भी रेफ़र करते हैं जो कि गवर्नमेंट की होती है और रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी इसे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी बोलते हैं गवर्नमेंट की टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड हम किस लिए ये फिज़िकल पॉलिसी का कर यूज़ करते हैं हम मतलब उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें अगर हमारे पास कि मतलब एक सिचुएशन ऐसा है जब हमारे पास मनी ज़्यादा हो जाती है मार्केट में तो तब हमें अपनी ऐसी फिजिकल पॉलिसी लानी पड़ती है कि जो ये एक्सेस में मनी है इसको कंट्रोल किया जा सके या अगर हमारे मार्केट में मनी कम है तो हमें क्या मेजर लेने पड़े कि हमारी मार्केट में हम बैलेंस बना सकें और ये किसके थ्रू करते हैं हम फिजिकल पॉलिसी के थ्रू इन द इकोनॉमी विद द व्यू टू अचीव टवीन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड सेप्टेबिलिटी हमारा मकसद क्या होता है ग्रोथ अपने कंट्री की ग्रोथ और उसको स्टेबल रखना ये हमारा मकसद होता है अल्टीमेट एम हमारा फिजिकल पॉलिसी का यही होता है एक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ कंट्री फिजिकल पॉलिसी इज़ द गाइडिंग फोर्स ये गाइडिंग फोर्स है जो हेल्प करती है गवर्नमेंट को डिसाइड uh, करने में वो, कि वो हो मच मनी इट शुड बी स्पेंड उसको कितनी मनी खर्चनी चाहिए टू सपोर्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए उसको कितनी मनी मतलब खर्च करनी चाहिए एंड हो मच रेवेन्यू इट मस्ट अर्न फ्रॉम दिस सिस्टम टू कीप व्हील ऑफ इकोनॉमी रनिंग स्मूथली मतलब कितना हमारे पास रेवेन्यू होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी स्मूथली चल सके ये डिसीजन लेने में भी फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट की हेल्प करती है अब ऑब्जेक्टिव क्या है फिजिकल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव हैं सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ फिजिकल पॉलिसी हेल्प मेंटेन द इकोमिक ग्रोथ रेट सो देट सर्टन इकोनॉमिक गोल्स कैन बी अचीव क्या मकसद है फिजकल पॉलिसी का कि हमारी मतलब मेंटेन कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ को और ताकि हम अपने जो हमारे गोल्स हैं या इकोनॉमिक्स गोल्स हैं हम उनको अचीव कर सकें और सेकंड है हमारा प्राइस स्टेबिलिटी इट कंट्रोल द प्राइस लेवल ऑफ़ द कंट्री ये क्या करती है फिजिकल पॉलिसी हमारे मतलब प्राइस लेवल को कंट्रोल करती है ठीक है अब देखो जैसे हम मार्केट में फॉर एग्ज़ाम्पल मनी फ्लो ज़्यादा हो गया अब मनी फ्लो ज़्यादा हो गया तो प्राइस भी बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली अब इसी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए यह एक ऐसी फिजिकल पॉलिसी लेंगे जिसकी वजह से हम अपने मार्केट में से मनी को हम खींचे मतलब पैसा मार्केट से हम वापस खींचे वो बहुत सारे मेथड होते हैं हम मोनिट्री पॉलिसी के थ्रू भी मार्केट से पैसा सक कर लेते हैं हमारे पास एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की जिससे हम स्टेबल करते हैं वो हम आगे नेक्स्ट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम आपको आस्ता आस्ता सभी टॉपिक्स के बारे में पता चलता जाएगा आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सो दैट व्हेन द इन्फ्लेशन इज टू हाई प्राइसेस कैन बी रेगुलेटेड अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो हम उन प्राइसिस को रेगुलेट करेंगे किसके थ्रू फिजिकल पॉलिसी के थ्रू अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉरी uh, नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट इट एंड्स टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट इसका मकसद क्या होता है फिजिकल पॉलिसी का कि फुल एम्प्लॉयमेंट देना या फुल ना दे सके तो नियर फुल एम्प्लॉयमेंट दें एज अ टूल टू रिकवर फ्रॉम लो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम रिकवर कर सकें लो इकोनॉमिक एक्टिविटी से अब उसका नेक्स्ट आगे आ गया इक्विटी एंड जस्टिस मॉडर्न वेलफेयर गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है सोशल जस्टिस प्रोवाइडिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ फिजिकल पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट दैट एम्स रड्यूसिंग इनकम एंड वेल्थ गैप बिटवीन पीपल फिजिकल पॉलिसी का मतलब भी यही है कि हमने गैप रड्यूज़ करना है रिच और पुअर के बीच में ठीक है गवर्नमेंट कैन यूज़ इट यूज़ इट्स टैक्स एक्सपेंडिचर पॉलिसी इन सच अ वे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी मेड मोर इक्विटेबल ठीक है देखो गवर्नमेंट यूज़ करती है हम अपने मतलब टैक्स टैक्स लगाती है जो, ज, जो जितना ज़्यादा अमीर होता होगा उसको उतना ज़्यादा टैक्स लगता है ताकि रिच और पुअर के बीच में गैप को फिल किया जा सके यूज़ आ फिजिकल पॉलिसी पौ, मेजर में ग्रुप टी टू हम इसका यूज़ करने के दो मेथड हैं एक है ऑटोमेटिक और बिल्ट इन फिजिकल पॉलिसी इसमें क्या होता है ऑटोमेटिक फिजिकल पॉलिसी इज अ चेंज इन फिजिकल पॉलिसी दैट ट्रिगर्ड बाय द स्टेट ऑफ द इकोनमी दे, दे इज़ अकर ऑटोमेटिक चेंज इन टैक्स रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर विद द चेंज इन इनकम अब देखो ऑटोमेटिक हो जाती है अगर देखो आपका इनकम बढ़ गई तो टैक्स भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली इनकम डिक्रीज होगी तो टैक्स भी लोअर हो जाएंगे ड्यूरिंग डिप्रेशन एज अन्प्लॉयमेंट राइजेज इनकम डिक्लाइंस डिप्रेशन में क्या होता है अन्प्लॉयमेंट बढ़ती है और इनकम हमारे डिक्लाइन होती है जिसका रिजल्ट क्या होता है जो टैक्स रिसिप्ट होती हैं गवर्नमेंट की वो भी डिक्लाइन हो जाती हैं और दी अदर हैंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइज अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यही ले लो कोरोना का पीरियड कोरोना के पीरियड में देखो क्या हो गया मैक्सिमम हमारे को हमारी गवर्नमेंट लॉस में जा रही है अब उसके मतलब वो देखो ना अब जो पहले बन, आदमी बिज़नेस करता था कमर्शियल बिज़नेस थे उनको प्रॉफ़िट होता था और वो उतना ही टैक्स पे करते थे अब बिज़नेस भी ठप है मतलब बंद हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर तो उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट का टैक्स स्ट्रक्चर में भी कमी आती है तो इससे क्या होता है कि अब गवर्नमेंट का टैक्स नहीं कलेक्ट हो रहा पर अपने खर्चे तो वो कर रही है जैसे अभी हेल्थ पे अभी ऑक्सीजन हमारे पास जैसे अभी कमी आ रही है तो ये भी हम बाहर से मंगवा रहे हैं गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर तो कर ही रही है ये होता है ऑटोमेटिक और बुलेटिन फिजिकल पॉलिसी अब दिस काइंड ऑफ फिजिकल पॉलिसी एडजस्ट अच्छा ऑटोमेटिकली हंस नो एक्सप्लिसिट एक्शन बाय द गवर्नमेंट नीडिट ये अपने आप मतलब ये अपने आप एडजस्ट हो जाती है गवर्नमेंट को एक्शन लेने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती अब डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी होती है द दे डेलीब्रेट पॉलिसी चेंज विद विच आर मेन टू इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी मे बी कॉल डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी मतलब ये डेलीब्रेट एक्शन जहान बूझ कर लिए ये एक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं डेलिब्रेट पॉलिसी जो चेंज करती है इन्फ्लेंस ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी ठीक है गवर्नमेंट सॉरी गवर्नमेंट डेलिब्रेटरी अल्टर्स स्केड्यूल्स एंड वेरियस एक्सपेंडिचर प्रोग्राम अब गवर्नमेंट डेलीब्रेट मतलब अपने प्रोग्राम और शेड्यूल में चेंजेस लाती है उस इस पॉलिसी को हम बोलते हैं डेलीबरेटली फिजिकल पॉलिसी अब एक्सपे एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी जाती है ये इज डिफाइन इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड और डिक्रीज इन टैक्सेस इसमें क्या कहता है गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है और टैक्स रिड्यूस कर देती है ताकि क्यों अब देखो अब जैसे गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ लोगों को प्रोवाइड कर दी गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया अब टैक्स रेट घटा दिया अब गवर्नमेंट का अल्टीमेट एम क्या है कि मार्केट में मनी को इंजेक्ट करना ठीक है इससे मनी मार्केट में आएगी मतलब अगर डिप्रेशन की कंडीशन है तो तब गवर्नमेंट हमारा यूज़ करती है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी दैट काज इज गवर्नमेंट बजट डेफिशट टू इंक्रीज और इट्स बजट सरप्लस टू डिक्रीज ठीक है तब हमारा बजट डेफिशट इंक्रीज़ हो जाता है अगर सरप्लस बजट अगर हमारा हो तो वो डिक्रीज हो जाता है ठीक है अब कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी कहता है ये इसका अपोजिट होती है ये क्या करती है डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम कर देती है और इंक्रीज इन टैक्सेस टैक्स बढ़ा देती है मतलब वो अब क्या करना चाहती है गवर्नमेंट मार्केट से पैसों को सक करना चाहती है इससे क्या होता है काज द गवर्नमेंट बजट डेफिशट टू डिक्रीज अब जो बजट डेफिशट हो रहा था वो डिक्रीज हो गया और बजट सरप्लस होना शुरू हो जाएगा वही लिखा होगा अब नेक्स्ट हमारा क्या हो गया कंपोनेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी के कंपोनेंट क्या है सबसे पहला है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ठीक है इस इट इज़ द प्रिंसिपल कंपोनेंट और प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ फिजिकल पॉलिसी ये प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी का गवर्नमेंट कंट्री की क्या करती है वेरियस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर करती है कौन कौन से जैसे एक्सपेंडिचर हो गया पब्लिक वर्क प्रोग्राम अच्छा रोड बनाना डैम बनाना ब्रिज बनाना इस पर खर्चा जो गवर्नमेंट करती है और एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स पे एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस ऑफ ए कंट्री मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सिडीज टू प्रोड्यूसर विद द व्यू टू इंकरेज प्रोडक्शन ये होते हैं हमारे गवर्नमेंट के खर्चे ठीक है यह सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे फिजिकल पॉलिसी का इसके बाद इट इज दाई चेंजिंग एनी ऑल ऑफ टाइप टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर दैट गवर्नमेंट सी टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ऑफ डेफिशेंट डिमांड इन द इकॉनमी वैन देर इज एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज रिड्यूज एंड वैन देर इज डेफिशेंट डिमांड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज इसका कहने का मतलब यह है अब देखो एक पर्टिकुलर सेक्टर है वहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही फॉर एग्जाम्पल आप एग्रीकल्चर में ही ला लो लगा लो ठीक है एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है अब गवर्नमेंट चाहती है कि हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें उसमें क्या करेगी वो सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी तब वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी तो उससे क्या होगा सब्सिडीज़ देगी तो फा, उससे फार्मर को फ़ायदा होगा ठीक है अगर अब देख लो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी इंडिया की रोडें सब बन चुकी हैं मतलब मेंटेन होगी तो अब गवर्नमेंट क्या सोचेगी हम अब अपना खर्चा कम करें अब वो जो रोड पे इन्वेस्टमेंट कर रही थी गवर्नमेंट वो कम कर देगी वो कम कर देगी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना डिक्रीज़ कर देगी ये मतलब ये फिज़िकल पॉलिसी का ही एक कंपोनेंट है ठीक है अब टैक्सेस अब टैक्सेस जो है कंपलसरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट लेती है आदमियों से अब यह कर रही है इनक्रीज़ कर देगी अगर बाय इंक्रीजिंग टैक्स बर्डन ऑन दी हाउस होल्ड द गवर्नमेंट रेड्यूज देयर डिस्पोजेबल इनकम अब क्या करेगी अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट इंक्रीज़ कर देती है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ही यूँ अगर मेरे सौ रुपये पे गवर्नमेंट टेन रुपीज़ ले रही थी अब सौ रुपये पे बीस रुपये ले रही है अब अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्या कर रही है गवर्नमेंट मेरी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को डिक्रीज़ कर रही है अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है वो इनकम जो एक्चुअल इनकम है ठीक है एक्चुअल इनकम है उस पर जो टैक्सेज लग रहे हैं जो टैक्सेज आप पे करने के बाद जो आपके पास एक्चुअल इनकम बच रही है वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इनकम है हंड्रेड रुपीज़ और उस पर गवर्नमेंट ने लगा लिया ट्वेंटी रुपीज़ अब टैक्स टैक्स लगाया ट्वेंटी रुपीज़ अब सौ में से बीस रुपये आपने माइनस कर लिए तो जो एटीज़ रुपीज़ बचे ये आपकी है डिस्पोजेबल इनकम ठीक है अब अकॉर्डिंगली एग्रीगेट डिमांड इज रिड्यूस एक्सेस डिमांड इज मैनेज अब देखो जब टैक्स आप पे लगेंगे तो आपकी डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगी अब आपके पास मनी कम होगी तो आप डिमांड भी कम करोगे और ठीक है तो अगर आपके टैक्स घटा दिए तो आप डिमांड मोर करोगे वही लिखा हुआ है ऑन दी अदर हैंड बाई लोवरिंग टैक्स बर्न डॉ गवर्मेंट इनक्रीज डिस्पोजेबल इनकम हाउस होल्ड अकॉर्डिंगली एग्रीगेट डिमांड इज रीज एंड डेफिशेंट डिमांड इज मैनेज ओके ये था हमारा टैक्सिस अब उसके बाद आ गया पब्लिक बोरइंग और पब्लिक डेप्ट बाई बोइंग फ्राम दब्लिक द गवर्मेंट क्रिएट पब्लिक डेप्ट अब जो गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा लेती है तो उससे क्या हो रहा है गवर्नमेंट पब्लिक डेप क्रिएट कर रही है इन अचुएशन डेफिशेंट डिमांड वेन एग्रीगेट डिमांड नीडिड टू बी इंक्रीज द गवर्नमेंट रेड्यूज बोरइंग फ्रॉम पब्लिक। अगर देखो अब हमारे मार्केट में डिमांड कम है ठीक है मार्केट में डिमांड कम है तो उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी गवर्नमेंट गौर, क्या करेगी जै, जैसे फॉर एग्जांपल ये, ये छोड़ो आपके पास मनी में मतलब मार्केट में मनी बहुत एक्सेस में फ्लो हो रही है अब उसमें क्या होगी उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी गवर्नमेंट अब पब्लिक डेप्ट लेगी मतलब कुछ बॉन्ड शोंड इशू करेगी अब आप उसको खरीदोगे और अपना पैसा सारा गवर्नमेंट के पास जमा करवाओगे अब वो गवर्नमेंट के लिए क्या होगा वो एक डेप्ट होगा उनके लिए वो हो पब्लिक डेप्ट अब देखो उससे क्या होगा आपका पैसा गवर्नमेंट ने ले लिया अब उससे क्या हो गया डिमांड मैनेज होगी जो पहले आप मार्केट में एक्सेस डिमांड कर रहे थे मनी होने की वजह से अब वो डिमांड डिक्रीज़ होगी तो इसका अपोजिट जब आप मनी में मार्केट uh, में डिमांड बिल्कुल कम है तब वो क्या करेगी आपका मतलब पब्लिक डेप्ट कम कर देगी मतलब वो आपसे पैसा नहीं लेगी और आपके पास आप पैसा होगा तो तब आप डिमांड ज़्यादा करोगे तो वही इसमें ये लिखा हुआ है पब्लिक पॉइंट और पब्लिक डेप्ट ये भी एक है कंपोनेंट उसका फिजिकल पॉलिसी का अब बोरोइंग फ्रॉम आर बी आई अब गवर्नमेंट आर बी आई से भी पैसा लेती है बोरोइंग द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द आर बी आई एंड अदर एलिमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी इट इज़ अ फाइट डिफ्लैनेशनरी गैप जब डिफ्लेशन होती है मतलब इकानमी में स्लो डाउन होता है तो तब क्या करती है गवर्नमेंट बारो करती है आर बी आई से एंड रिड्यूस फाइट इन्फ्लेशनरी गैप हायर बोरोइंग रिलीजिज ग्रेटर लिक्विडिटी इन द इकॉनमी अब वो क्या करेगी वहाँ से लेकर इकानमी में पैसा इंजेक्ट कर देगी गवर्नमेंट एज रिक्वायर टू करेक्ट डिफ्लेशनरी गैप जो हम डिफ्लेशनर का मतलब डिप्रेशन uh, का टाइम है उसको ओवरकम उससे ओवरकम होने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी वो पैसा सारा मार्केट में डाल देगी वैन बोरइंग इज़ रिड्यूसड द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इन द इकोनी इज ऑल्सो रिड्यूज अगर बोरइंग वो रिड्यूज़ करेगी गवर्नमेंट तो अब मार्केट में पैसा भी रिड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिकली बारोइंग नहीं करेगी गवर्नमेंट तो हमारे पे लगाएगी कहाँ से ठीक है एज़ डिज़ायर टू करेक्ट इन्फ्लेशनरी गैप एक्सेस डिमांड इन द इकॉनमी किस लिए होता है इन्फ्लेशन को करेक्ट करने के लिए वो करती है बॉरोइंग करती है आर से अब हमारे तीन टाइप के फ़ंड होते हैं एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो आर्टिकल टू सिक्सटी सिक्स वन के अंडर आता है कॉन्टेंजेंसी फ़ंड ऑफ इंडिया होता है टू सिक्सटी सेवन के अंदर आता है पब्लिक अकाउंट होता है टू सिक्सटी सिक्स के अंदर आता है और ये जो होते हैं ये दो हेड के अंदर होते हैं को कितने दो हेड के अंदर अकाउंट होते हैं एक होता है रेवेन्यू अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट जो रेवेन्यू अकाउंट होता है वो डे टू डे बेसिस पे होता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है कैपिटल अकाउंट इसमें एक पार्ट होता है रिसिप्ट का एक्सपेंडिचर का सेम इधर भी रिसिप्ट का एक्सपेंडिचर का अब इसमें क्या होता है टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू यूजर चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट सब्सिडीज़ और जो पब्लिक टैप जो डे टू डे बेसिस गवर्नमेंट करती है और ये लॉन्ग टर्म के लिए रिकवरी या फ्रॉम बोरिंग फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड डिस इनवेस्टमेंट लोन मेड टू स्टेट ठीक है फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल लोन ठीक है ये सारा हो गया हमारा तो हेड में अकाउंट्स ठीक है ये जो होते हैं रेवेन्यू अकाउंट होता है डे टू डे बेसिस पे कैपिटल अकाउंट होता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये आप याद रखेंगे अब कुछ फार्मूले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं अब बजट डेफिशेट क्या होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रेवेन्यू डेफिशट क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओके इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिट क्या होता है रेवेन्यू डेफिशिट माइनस ग्रांट फॉर कैपिटल क्रिएशन फिजिकल डेफिशिट क्या होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेक्ट कैपिटल रिसिप्ट ये हमारे फार्मूले थे और ये हमारा था फिजिकल पॉलिसी अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे मोनिट्री पॉलिसी आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब शेयर कमेंट लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और हम हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे थैंक यू गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बाय बेस्ट ऑफ लक